रीजन है। और बहुत बहुत टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने से थे, क्या 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 गेम खेलते थे, वाटर बॉटल लटका के जब स्कूल जाते थे, बिकॉज हमारा स्कूल भी आमने सामने ही था, एंड हमारे घर में अगर कोई शादी होती थी तो हम आवेश से डांस सीखते थे, एंड यूज टू बी द लीड डांसर ऑफ कोर्स, एंड ऑब्वियसली हमें पता ही था कि डांस में कुछ एक्सेल करने वाला है, बट यू नो इट्स अमेजिंग टू सी हिम वेयर ही इज टुडे, एंड ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो ऑफ कोर्स। ये तो मेरे बारे में हुआ ना, सेम चीज़ सना के बारे में, तो जब हम साथ में क्या बहुत अजीब अजीब चीज़ करते थे, वैसे मुझे अभी याद आ रहा है सब, हम लोग जॉगर्स पार्क पे लटकते थे क्या क्या नहीं करते थे, सो नेवर थॉट दैट हम इतना कुछ कर पाएंगे आगे जाके, बिकॉज वी वर वेरी नॉटी, आई थिंक हमको लगता था कि हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, या एंड शी वॉज वेरी फोकस्ड सिंस देन, तो मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ करेगी, और वो बात बहुत करती थी, और इतना बात करती थी मेरे को लगा कुछ उसमें कुछ करेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ, रेडियो मिर्ची, पहले रेडियो मिर्ची फर्स्ट था, एक्टिंग स्टार्टेड नेक्स्ट, सो वहाँ पे देन शी स्टार्टेड, आई यूज़ टू ऑलवेज लिसन टू व्हाट शी यूज़ टू से, तो मैं या आई यूज़ टू टेल माई फ्रेंड्स, है माई फ्रेंड बोला हाँ रियली मतलब या आई मेक यू मीट समडे, सो तो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट, देन लेटर ऑन व्हेन आई सॉ हर एक्सेलिंग इन टू एक्टिंग, देन वाज लाइक ओह ये वाला पार्ट मुझे कभी पता नहीं था दैट शी एक्चुअली इज इन टू एक्टिंग ऑन ऑफ दैट, वो मेरे लिए शॉक था, क्योंकि यू नेवर टोल्ड मी ऑल्सो कि तेरे को एक्टिंग में जाना है, तो वो मेरे लिए हाँ मेरे को ये पता था कि उसको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो मे बी मेरे को लगा था कि सिंगिंग में कुछ ना कुछ करेगी, मुझे ऐसा था ना कि ऑफ कोर्स इस्माइल अंकल इज वन ऑफ माय लाइक टॉप के जो बोलेंगे ना म्यूजिक कंपोजर, आई लव हिम, ही नोज कि उनका म्यूजिक मुझे कितना पसंद है, एंड इसको मैं गा गा के सुनाती थी, पर ऑफ कोर्स इस्माइल अंकल के सामने कभी गाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इनफैक्ट रिसेंटली मैंने एक टिकटॉक बनाया जिसमें हम दिल दे चुके सनम का टाइटल ट्रैक है, सो हाँ अंदर, बट वो दबा हुआ शौक है, मुझे पता था कि हाँ ये कुछ सिंगिंग में कुछ करेगी, पर वो सिंगिंग छोड़ के अचानक से रेडियो जॉकी फिर एक्टिंग, मैंने बहुत बार कहा, इनफैक्ट हर एक यंगस्टर का एक स्टेज आता है जहाँ पे वी आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट लाइफ, यू नो, सो आई हैव सीन दैट स्टेज ऑफ हिज एज वेल, तो मैंने वो देखा है व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दैट, इवन जैद दे न्यू दे वांट टू डू समथिंग इन डांस, लेकिन फिर भी यू नो एक जैसे लक्ष्य फिल्म देखी है ना आपने, मतलब वो वाली बात है, एंड ऑफकोर्स टू एक्सेल आपको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, एंड ही इज लाइक ही हैज वर्क रियली रियली हार्ड, और हम सब देख ही सकते हैं वो, हम सोचे थे, मैंने इसको बोला है, हमने प्लान भी किया, ओह रियली, प्लान कभी हुआ ही नहीं, हमने साथ में बोला हाँ साथ में करेंगे, पर वो कभी हो ही नहीं पाया, आई होप सो आवेश दरबार अगर इजाजत दे तो जरूर होगा, बिकॉज मैंने उसको बहुत बार बोला है, बट ऑफ कोर्स ही इज बिजी विद हिज थिंग्स, आई एम बिजी विद माई डेली, सो होप्स, तो हम कभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, जबकि हम बहुत पास रहते हैं, हम एक गली छोड़ के रहते हैं, तो या वन डे विशाल, देयर इज मूवी विच अनुराग कश्यप सर इज प्रेजेंटिंग कॉल्ड बमफाड़, एंड आई हैव अ वेरी नाइस रोल इन इट, आई होप सो, सो होपफुली 2 महीने बाद वो फिल्म शायद, पता नहीं मुझे टाइम नहीं पता कब आएगी, बट आई एम इन दैट मूवी, सो वो फिल्म मेरी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है।